अस्सलामुअलैकुम। ये जो बकरी आप देख रहे हैं ना, इसका पहली बार दूध निकालने लगे हैं, तो ये देखा दूध निकलना शुरू हो गया। इसके थन बहुत अकड़ गए थे, ये मुंह से चार दांत छह दांत हैं, छह दांत। तो पिछले कोई एक डेढ़ हफ्ते से दो हफ्ते से इसके थन अकड़ गए थे बड़े ना, मुझे ज़्यादा पड़े उसे थाना, पहली बारी होता है ना फिर तकलीफ होगी। तो तू ठीक तू? तो अगर बस पहली बार जो है ना बकरी को तकलीफ होती है और वो डिस्टर्ब होती है, आपकी भी कुछ चार दांत छह दांत बकरी बहुत ज़्यादा उतार है थनों में, थन उसके अकड़ जाए तो फिर उसका दूध निकाल लिया गए। एक सेकंड, इस तरह बकरियां दूध तो अपना चालू कर लेती हैं, लेकिन ये है कि टेंशन फ्री हो जाती है। अगर दूध ना निकालने तो इनके लिए टेंशन बनती है कि वो उठने बैठने में हर वक्त थान अकड़े रहते हैं, फिर ना डिस्टर्ब हो जाती है। ये देखा ना गुस्से में है बड़ी, चक भी मार रही है, लेकिन ये है कि अभी ये रिलैक्स हो जाएगी। दूध ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, कुछ एक डेढ़ पाव ही होगा, आधा किलो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। और इसका जो दूध है ना ये होगा भी मिनरल रिच, ताकतवर। आराम ना जी, आराम ना, आराम ना। कदीर बस ठीक है, बस काफ़ी। चलो ठीक है, बस ठीक है, कोई नहीं आ रहे जी, हम छाड़ दो उसमें। अब देखें ना इसके थान किस तरह हो गए, पहले अकड़े हुए थे, उन लाया जैसे उन्हें बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। ये जी पहली बार का दूध, गाढ़ा ही बड़ा होना है ना। फाड़ा है गलत, चेक करिए है। बस कोट कोट ही छोटा कोट लाया थी मैं। कोट कोट बोलो ना। चलो बकरी भी रिलैक्स होगी। ये खड़ी है बकरी, अब देखा इसके दूध निकल गया, अब ये रिलैक्स हो गई, अब ये दूध वैसे उतार लिया करेगी। ये बकरियां पहले दूध उतार लें ना, फिर उनका दूध निकाल लें, तो फिर थोड़ी सी कमज़ोरी उन्हें आ जाती है, लेकिन खुराक शुराक ठीक हो तो कोई मसला नहीं बनता, चलती रहती है।